So friend, this is the condition of my old stock tire. The cracks are easily visible. That's why I choose to change this tire. Still it have life of easily 2k kilometers. Hello friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel. The reason for making this vlogging, I already changed the front tire of my RR310. You guys already seen it on Instagram. So I'll receive lots of comments that Sagar, where is the vlog of front tire installation? Actually, the thing is, I haven't shoot much more because while installation, I was alone at time. So, the time nahi mila aur it very easy process tha. But due to lots of comments from you guys, I started one poll on Instagram and on my YouTube community tab. वहाँ पे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. सो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट आई गिव ऑल ओवर द आइडिया हाउ आई इंस्टॉल दिस फ्रंट टायर. सो इस वीडियो में आपको वही देखने को मिल जाएगा. द टायर विच आई परचेज फ्रॉम अमेजॉन, इफ यू गाइस वांट टू परचेज, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आगे की पीछे की दोनों टायर की यू गाइस कैन बाय फ्रॉम दैट. रीजन फॉर बाइंग द टायर फ्रॉम अमेजॉन इटसेल्फ बिकॉज रियर टायर एंड फ्रंट टायर दोनों भी मुझे 2019 के लेटेस्ट मॉडल मिले. दैट मीन अराउंड अगस्त और सितंबर के थे ऑफ 2019. That is very good for me. So that's why I trust Amazon CloudTails as a seller. So let's start this beautiful vlog. So first of all, let me give the look of the tire before installing it on bike. So friends, ये अपना नया टायर इंस्टॉल हो चुका है. बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस प्रोसेस, मेन प्रॉब्लम इज दैट इफ यू गाइज डोंट हैव द फ्रंट पैडॉक स्टैंड, जो मेरे पास भी नहीं था, मेरे पास से पीछे का पैडॉक स्टैंड था. सो ड्यू टू दैट ये टायर ऊपर की तरफ पुल बहुत बड़ी तकलीफ थी. सो दैट्स वाई आई यूज पीछे का पैडॉक स्टैंड. उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने मेरी डिजायर का स्टैंड यूज किया था और उसके बाद ये एरिया ऊपर की तरफ आ गया. फिर आई स्टार्टेड द चेंजिंग ऑफ द टायर. बट बिफोर दैट, स्टैंड डालने से पहले नीचे की तरफ एक प्लेट है, वो दिखा देता हूँ आपको. बट बिफोर इवन दैट प्लेट, आपको ये आगे की जो जाली है वो रिमूव कर देनी है. उसके तो सेम ही है, 1, 2 और यहाँ पे 3, 4. आपको अभी प्लेट दिखा देता हूँ कहाँ पे है वो. ये आप देख सकते हो, ये एक है और ये एक है. ये दो नट 10 नंबर के स्पैनर से रिमूव हो जाएंगे और उसके बाद ये पुश के स्टार के दो प्लास्टिक स्क्रू है, उसको रिमूव कर देने. सो उस 10 नंबर के बोल्ट के बाद यहाँ पे भी एक छोटे से स्टार वाले स्क्रू है, ये प्लास्टिक का स्क्रू है. तो ये स्क्रू ड्राइवर से रिमूव हो जाएगा. सो एक यहाँ पे और दूसरा स्क्रू यहाँ पे. स्क्रू रिमूव करने का इस प्लेट को आगे की तरफ पुश करना है तो बाहर आ जाएगी वो. और उसके बाद आप यहाँ पे कार का स्टैंड लगा सकते हो. बट बिफोर पुटिंग द कार स्टैंड, आपको क्या करना है, जब भी बाइक का टायर ज़मीन के ऊपर हो, आपको 13 नंबर के बोल्ट से ये नट है जो पूरा बाहर आ जाएगा, उसकी हाइट इतनी ही है, बस इतना ये बोल्ट है, वो पूरा बाहर निकाल लो. उसके बाद 1, 2 और 3, 4 ये 6 नंबर की एलन की से चारों स्क्रू लूज कर देना, पूरे रिमूव नहीं करने, जस्ट स्लाइटली लूज कर देना, दैट्स इट. और उसके बाद आपको वहाँ पे स्टैंड लगाना है. तो स्टैंड लगाने के बाद की एक इमेज अभी आपको दिखा देता हूँ. सो फ्रेंड्स, फॉर चेंजिंग दिस टायर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे पास तो सिर्फ पीछे का पैडॉक है, आगे का पैडॉक स्टैंड है नहीं. सो दैट्स वाई पीछे का पैडॉक लगा दिया और आगे का पैडॉक नहीं है, तो उसके लिए मैंने जुगाड़ कर दिया है. आप देख सकते हो मेरे जो डिज़ायर का जैक है वो यहाँ पे लगा दिया है. और बिफोर दैट यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ये जो एरिया है वहाँ पे एक प्लास्टिक की प्लेट रहती है जो वहाँ पे रिमूव करके वॉश करके रख दी है, और वो जो जाली है वो आगे रहती है. सो पहले जाली रिमूव करनी पड़ती है, उसके बाद नीचे की प्लेट रिमूव करनी पड़ती है, और उसके बाद आप ये जैक लगा सकते हो. अभी आप देख सकते हो आगे के टायर में और ज़मीन के अंदर गैप आ चुका है, देख लीजिए. सो नाउ आई कैन ईजिली रिमूव दिस टायर. दिस इज़ द स्मॉल जुगाड इफ़ यू डोंट हैव पैडॉक स्टैंड इन फ्रंट. सो जैसे आपकी बाइक स्टैंड के ऊपर लग जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टार का एल एन की वाला बोल्ट है. यहाँ पे आपको कुछ भी स्पैनर वगैरह कुछ भी नहीं डालना है. एक इजी ट्रिक बता देता हूँ, बिकॉज मेरे पास भी ये इतना बड़ा अराउंड 13 या 14 का स्टार का एल एन की नहीं था. सो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ आपको. जब आप इसको रिमूव कर दोगे, वो इतना पोर्शन है, उसके बाद उसको जस्ट स्लाइटली अंदर की तरफ डाल देना, घुमाना नहीं है, जस्ट अंदर की तरफ पुश करना है. और उसके बाद हैमर से उसको यहाँ पे पुश कर सकते हो. वो पुश करने के बाद एक रॉड है जो यहाँ से यहाँ तक आता है, ये जो स्टार वाला बोल्ट है वो उसी एलन की का एक पार्ट है, तो पूरा रॉड बाहर आ जाएगा. तो ये रॉड बाहर आ जाने के बाद अपना टायर इजिली नीचे आ जाएगा. तो जैसे आपका कार का जैक यहाँ पर लग जाता है, उसके बाद आपको फ्रंट ब्रेक पैड का यूनिट रिमूव करना है.
मैं रिमूव दिस स्क्रू एंड दिस स्क्रू 12 नंबर के स्पैनर से ये दोनों बोल्ट रिमूव जाएंगे। इसे मिनट मैंने रिमूव किया था फ्रंट ब्रेक पैड चेंज करने के टाइम। अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा रहेगा तो अभी आई बटन में लिंक रहेगी, उसके अंदर पूरा डिटेल बता दिया हमने हाउ वी कैन चेंज द फ्रंट ब्रेक पैड ऑन RR310। रियर ब्रेक पैड का भी व्लॉग अपने चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो, उसकी भी लिंक अभी आई बटन में आई रहेगी। वो भी रियर ब्रेक पैड भी आप खुद चेंज कर सकते हो अपनी RR310 के अंदर। तो फ्रंट टायर रिमूव करने के बाद मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया, अपना टायर लेके पंचर वाले शॉप के पास लेके गया था ओल्ड टायर और फ्रंट टायर, वहाँ पे जाके भी टायर चेंज कर लिया और न्यू टायर के अंदर पंचर लिक्विड भी डाल दिया। उसकी थोड़ी सी इमेज जो मैंने वहाँ पे शूट कर ली थी आपको अभी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स अपना टायर लग चुका है, नाउ वी विल चेक फॉर द एयर लीक बाय फिलिंग अप द एयर साइड की एरिया से। और ये रहा पुराना टायर, तो पुराना जो पंचर लिक्विड था उसका देख लीजिए आप, उस साइड की एरिया कवर नहीं होता है कभी भी कोई भी पंचर लिक्विड में। सो फ्रेंड्स अपना स्कॉर्पियन STR ऑफ रोडिंग टायर ऑन फ्रंट व्हील बैठ चुका है, अब बाकी है बस बाइक के ऊपर लगाने का। तब इसके अंदर पंचर लिक्विड डाल दिया है, सो अभी नेक्स्ट 7-8 किलोमीटर लेस देन 30 की स्पीड पे बाइक चलानी है, दैट्स इट। उसके बाद पंचर लिक्विड पूरे टायर में अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अपने नया टायर लगल के ऊपर बैठने के बाद टायर यहाँ पे लेके आया, सेम प्रोसीजर फॉलो की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक ऑलरेडी जैक के ऊपर ही थी, सो ये टायर अंदर की तरफ पुश कर लिया और उसके बाद ये जो रॉड निकाला था कम्प्लीटली रॉड, ये एक ही यूनिट है पूरा, उसको प्रॉपरली ग्रीस से लूप कर दिया और उसके बाद उसको स्लाइडली पुश करके अंदर की तरफ डाल दिया। इजीली चला जाएगा, जस्ट मेक श्योर बिफोर पुटिंग दिस टायर इन द एरिया आपकी डिस्क और ब्रेक पैड के अंदर फिली चली जाए। ब्रेक पैड भी आप बिफोर पुटिंग व्हील उसको स्क्रू ड्राइवर से अंदर की तरफ पुश कर सकते हो ब्रेक पैड्स को, तो और जगह बन जाएगी इन बिटवीन ऑफ ब्रेक पैड्स। सो वंस वो रॉड यहाँ पे बैठने के बाद बाइक को कार जैक से नीचे की तरफ लेके आना है, अपना पूरा टायर नीचे ग्राउंड की तरफ आ जाएगा। उसके बाद आपको ये जो 30 नंबर का इतना सा जो स्क्रू है उसको अंदर की तरफ पुश कर लीजिए, फुल टाइट मत कीजिए। अंदर की तरफ पुश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये 6 नंबर की एलन की से 1, 2 और 3, 4 इन दोनों को फुल टाइट कर लीजिए और फुल टाइट करने के बाद आप इस 30 नंबर के बोल्ट को पूरा टाइट कर लेना, दैट्स इट। इट्स वेरी इजी प्रोसेस, रियर टायर का चेंज के जैसे हार्ड प्रोसेस नहीं है, वेरी इजी प्रोसेस है। ओनली प्रॉब्लम आती है कि आपके पास फ्रंट पैडॉक स्टैंड नहीं होगा, तो डोंट वरी हमारे पास भी नहीं था, तो हमने इस इजी कार जैक वाले प्रोसेस को फॉलो करके ये चीज़ फॉलो कर ली। अभी तो आपकी नीचे की बेस प्लेट लग जाएगी, फिर उसके बाद ये जाली लगा देना, तो उसके बाद आपकी बाइक के ऊपर फ्रंट व्हील इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स नाउ आई वुड लाइक टू शेयर वन स्मॉल रिव्यू आफ्टर राइडिंग पिरेली स्कॉर्पियन ऑफ रोड टायर फ्रंट। अराउंड 2 हफ्ते हो गए बाइक चला के, सो अभी तो अपनी बाइक पूरी ऑफ रोडिंग वाली हो गई है, पीछे का टायर और आगे का दोनों सेम लग चुके हैं। सो एक चेंज मुझे महसूस हुआ, दैट वन आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। सो आफ्टर चेंजिंग द फ्रंट टायर, जब भी मैं टर्न्स के यहाँ पे कर रहा हूँ, सो वहाँ पे एक चेंज मुझे महसूस हो गया कि जब भी आप कर लेते हो सो थोड़ा सा फॉर द फ्रैक्शन ऑफ फ्यू सेकेंड्स आपको लगता है कि आप गिर जाओगे। सो वाइल्ड टर्निंग इतनी प्रॉपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, सो लीनिंग तो दूर की बात है, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा डर लगा कि दैट बाइक इज गोइंग टू फॉलो, बट दैट वॉज ड्यू टू द गैप्स ऑन बिटवीन द साइड एरिया ऑफ दिस टायर। आपको दिखा देता हूँ, सो आप देख सकते हो इसके यहाँ पे जो कर्व है, बाय द वे दिस टायर इज रेडियल वन, सो इसके ऊपर आप लीन कर सकते हो। सो ये जो साइड का एरिया है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप देख सकते हो, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, सो ड्यू टू दैट इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, बट दैट वॉज ऑन स्टार्टिंग ऑफ द डेज। आफ्टर राइडिंग दिस टायर फॉर लास्ट 2 weeks, I got full of the confidence that boss that you are not going to fall on that tire while turning. Just for the fraction of second, आपको लगता है you are going to misbalance, but that is not. These tires gives perfect grip. This is I am talking after riding this bike 2 weeks with these new tires. While doing the Konkan ride, आपको पता चलेगा इस vlog के बाद वो सब vlogs आ जाएंगे। बहुत घटिया road थे, on that very bad road, these tires gives me full confidence that कि आप ऑफ रोडिंग पे इजीली इस बाइक को चला सकते हो। दैट्स वाई आफ्टर कमिंग बैक टू मुंबई आई डायरेक्टली ऑर्डर दिस टायर एंड इंस्टॉल इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अभी दोनों टायर बाइक के ऊपर लगाने के बाद 2 वीक्स बाइक चलाई है, अभी तक कोई राइड की नहीं आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस टायर, बट एक चीज़ है नोटिस की मुंबई में रोड्स के काम चले, तो जब भी आप बैड रोड पे से बाइक चलाते हो ना, दिस बाइक हैंडल्स वेरी गुड।
ऐसे लगता नहीं कि आप बैड रोड पे गाड़ी चला रहे हो। सो फ्रेंड दैट्स इट इन दिस व्लॉग। अगर आप लोग के व्लॉग यूजफुल लगा रहेगा तो आप लोगों को तो पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब कर दो यार, और सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को, बिकॉज इस व्लॉग के बाद आने वाले हैं कोंकण के ब्यूटीफुल व्लॉग्स। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, ऑलवेज योर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ, सी या।